अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर होस्ट नुमान। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही छोटा पर यूनिक कैमरा, जो कि देखने में एक पेन है लेकिन दरअसल ये एक कैमरा पेन है, जिसमें आप कहीं भी किसी भी हरकत को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा 1080p फुल HD रिज़ल्ट विद वॉइस रिकॉर्डिंग, और इसके अलावा अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग सिंपल करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको अलग से इसमें ऑप्शन भी मौजूद हैं, प्लस पिक्चर्स भी आप इसमें स्नैप कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने कैमरे को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट दी गई है, और साथ आपको डाटा केबल भी, इसके चार्जिंग केबल प्लस डाटा केबल, ठीक है। चार्जिंग करने के लिए आपने क्या करना जी, आपने ग्रीन पॉइंट्स जो हैं इसके, इसको वाइट जो केबल के अंदर वाइट पॉइंट्स हैं उसके साथ अटैच करना होगा। अगर आप इसको उल्टा लगाएंगे तो ये चार्ज नहीं करेगा, मतलब कि आप ब्लैक साइड जो है उसको ग्रीन के वाइट के साथ अटैच करते हैं तो लग तो ईजी जाएगा, लेकिन वो आपको चार्ज नहीं करेगा, पेन आपका चार्ज नहीं होगा। आपने ग्रीन साइड को वाइट के साथ अटैच करना है तो तब जाके वो चार्ज करेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको चार्जिंग पे लगाएंगे तो इसकी जो है ना ऑरेंज कलर की लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगी, और ब्लिंक करती रहेगी। जैसे ही ये स्टेबल हो जाएगी तब आपने चार्जिंग से इसको उतार लेना, मतलब कि चार्जिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप इसको अडाप्टर के साथ डायरेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो सेम वही तरीका जिस तरह आपने केबल के साथ लगाया था, इसके जो ग्रीन पॉइंट्स हैं वो अडाप्टर के अंदर जो वाइट पॉइंट्स हैं उनके साथ आपने अटैच करने होंगे, ठीक है। चार्ज करने के बाद आपने क्या करना चाहिए, आपने मेमोरी कार्ड लगाना है इसमें, ठीक है। एक साइड आपको चार्जिंग पोर्ट की बनेंगी और दूसरी साइड जो है मेमोरी कार्ड के लिए होती है। तो यहाँ पर आप जो है ना मेमोरी कार्ड लगा दीजिएगा। मेमोरी कार्ड आप 2 GB से लेकर 32 GB तक जो है ना ये मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है। मेमोरी कार्ड लगाने के बाद आप देखेंगे दूसरी साइड पे आपको एक बटन मिलेगा जिस पे नंबरिंग 1 और नंबर 2 लिखा हुआ है। नंबर 1 पे अगर आप करेंगे तो ये ऑडियो रिकॉर्ड प्लस पिक्चर बनाएगा, तो उसकी पावर नंबर 1 पे करने के बाद आपने इसकी पावर ऑन करनी है। जैसे ही पावर ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर की लाइट ब्लिंक करेगी और ऑफ हो जाएगी, मतलब ये रिकॉर्डिंग पे चला जाएगा, और आप इसको सिंगल क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। और पिक्चर बनाने के लिए आपने सिर्फ सिंगल क्लिक करना है और ब्लू लाइट देखिएगा, जैसे ही आप इसको सिंगल क्लिक करेंगे तो ब्लू लाइट ऑन होगी और उसके बाद ऑफ हो जाएगी, मतलब ये पिक्चर बना लेगा, ठीक है। और वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने के लिए आपने जो ना इसका बटन 1 से इसको 2 की तरफ कर देना है, तो जैसे आप इसके 2 की तरफ करेंगे तो इसका मूड चेंज हो जाएगा, मतलब कि पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग पे था अब वो वीडियो रिकॉर्डिंग पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसकी पावर ऑन करनी है, तो जैसे ही इसकी पावर ऑन करेंगे तो लाइट इसकी और ब्लू कलर की ब्लिंक करेगी और वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो को स्टॉप करने के लिए आपने दोबारा इसको सिंगल क्लिक करना है। जैसे आप सिंगल क्लिक करेंगे तो अभी जो है ना ऑरेंज कलर की लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि अब वीडियो आपकी रिकॉर्ड होगी और सेव हो चुकी है। उसके बाद आपने इसकी पावर ऑफ करनी है, इसको प्रेस करके रखना जब तक ब्लू लाइट ना ऑन हो जाए। ब्लू लाइट ऑन होगी तो ये ऑफ हो जाएगा। आप उसके बाद सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना लाइट कोई भी ऑन नहीं होगी। उसके बाद आप मेमोरी कार्ड लगा के सिस्टम में वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं।